चाहे नवरात्रि का व्रत हो या कोई और व्रत, हम इंस्टेंट और झटपट बनने वाली रेसिपी की तलाश में रहते हैं। हम ऐसी रेसिपी बनाने की कोशिश करते हैं जो जल्दी बन जाए और खाने में भी चटपटा और मजेदार लगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मूंगफली आलू फ्राई की बहुत ही मजेदार रेसिपी। मूंगफली आलू फ्राई इंस्टेंट बनने वाली रेसिपी है और बहुत ही चटपटा मजेदार लगता है। तो मैं हूँ सोमार, आपका स्वागत है सोमार्स किचन में। तो चलिए आज की बहुत ही मजेदार मूंगफली आलू फ्राई की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम कोई कढ़ाई या फिर पैन को गरम कर लेंगे। पैन के गरम होते ही इस पे हम ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून देसी घी। तो व्रत वाली रेसिपी घी से बनाया जाता है, अगर आप व्रत में ऑयल खाते हैं तो ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे ही घी गरम हो जाए इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून जीरा। जीरा को चटकने तक हम भून लेंगे। तो जीरा भून चुका है, अब इसमें हम ऐड करेंगे 25 ग्राम मूंगफली। तो जैसे कि ये मूंगफली आलू फ्राई है तो मूंगफली की क्वांटिटी थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे। तो मैं यहाँ पे फ्राई किया हुआ मूंगफली का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो इसे कुछ सेकंड्स के लिए हम भून लेंगे। अगर आप कच्चे मूंगफली का इस्तेमाल करें तो इसे आधे मिनट के लिए फ्राई कर लें। तो जैसे ही मूंगफली फ्राई हो जाए इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून कटे हुए हरी मिर्च, इसे थोड़ा देर भून लेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे 3 उबला हुआ आलू। तो आलू को मैं यहाँ पे छोटे पीसेस में कट कर ली हूँ। अब गैस का फ्लेम हाई करके आलू को 2 से 3 मिनट तक हम फ्राई कर लेंगे। तो आलू को उतनी देर फ्राई करना है जब तक आलू क्रिस्पी ना हो जाए और जब तक आलू हल्का ब्राउन ना हो जाए। क्योंकि हम यहाँ पे बॉइल्ड आलू का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आलू को फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो आप देख सकते हैं 2 से 3 मिनट में आलू ब्राउन होकर फ्राई हो चुका है। तो जैसे आलू फ्राई हो जाए इसमें हम ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग सेंधा नमक। तो व्रत में सेंधा नमक का इस्तेमाल किया जाता है। नमक ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो नमक को हम यहाँ पे आलू फ्राई होने के बाद ऐड करेंगे। अगर पहले नमक ऐड करेंगे तो आलू मैश हो सकता है क्योंकि ये बॉइल्ड आलू है। अब आलू को कुछ सेकंड्स के लिए और फ्राई कर लेंगे। तो अब हम गैस को यहाँ पे बंद कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे कटा हुआ धनिया पत्ता और 1 टेबलस्पून नींबू का जूस। तो ध्यान रखिए धनिया पत्ता और नींबू का जूस गैस को बंद करने के बाद ऐड करना है। तो अब इसे हम गैस से हटा लेते हैं और इसे मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह टॉस करते हुए इसे मिक्स कर लें या फिर आप कोई स्पैचुला से भी इसे मिक्स कर सकते हैं। अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो आप व्रत में कोई चीज नहीं खाते हैं तो आप इसे यहाँ स्किप कर सकते हैं। तो बहुत ही मजेदार और इंस्टेंट मूंगफली आलू फ्राई बन करके तैयार है। तो देखा आपने इसे बनाना कितना आसान है और खाने में उतना ही चटपटा मजेदार लगता है, क्योंकि हम इसमें धनिया पत्ता और नींबू का जूस का इस्तेमाल किए जिससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो आप व्रत में झटपट बनने वाली मूंगफली आलू फ्राई की रेसिपी को जरूर ट्राई करें, सबको काफी पसंद आएगा। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।